नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है भारतीय राजनीति से। तमिलनाडु के दिग्गज नेता और प्रमुख नेता करुणानिधि का ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जी हां, बता दें आपको कि तमिलनाडु के कावेरी अस्पताल में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बता दें करुणानिधि 94 वर्षीय नेता का रात को 1:30 बजे अचानक उनकी तबीयत खराब होने के बाद हॉस्पिटल आया गया, जहाँ डॉक्टर ने उनके ब्लड प्रेशर बढ़े होने की बात कही। इससे पहले उनका इलाज घर पर ही किया जा रहा था। डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम ने उन पर विशेष नज़र बनाए रखी है और उन्होंने बताया कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और बढ़ती उम्र की वजह से उनको ये बीमारी हुई है। उनके डॉक्टर और हॉस्पिटल के निदेशक अरविंद सेल्वराज ने कहा है कि अब उनकी स्थिति सामान्य है। बड़ी संख्या में करुणानिधि के कार्यकर्ता भी वहाँ एकत्रित हुए और उनको व्यवस्थित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं करुणानिधि, और ए राजा उनके बेटे जो कि यूपीए की सरकार में एक मंत्री थे और घोटाले के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। तो ये थी सियासत की सबसे बड़ी खबर, और इसी प्रकार की अपडेट जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल खबर आप तक। धन्यवाद।